और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये सेटिंग अपनी ऑडियो पे अप्लाई करते हो तो आपकी ऑडियो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडिट हो जाएगी। हाँ तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपसे को बताया था कि आप किस तरह से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियो को रिकॉर्ड करने के साथ साथ उसको एडिट करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको अभी क्रिस्पी करना है और उसमें जो बैकग्राउंड नॉइस अभी थोड़ी बहुत आई है उसको भी हमें रिव्यू करना है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ऑडियो की एडिटिंग के लिए हम यूज़ करने वाले हैं लेक्सस ऑडियो एडिटर का। आप इसे गूगल प्ले स्टोर पर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, मैं आप सभी को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा जिनको अप्लाई कर आप अपनी ऑडियो को काफी अच्छी तरह से एडिट कर सकते हो, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप ये सेटिंग अपनी ऑडियो पे अप्लाई करते हो तो आपकी ऑडियो काफी अच्छी तरह से यहाँ पे एडिट हो जाएगी। तो फर्स्ट में आपको जो अपने लेक्सस ऑडियो एडिटर को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर ये ओपन वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से अपने फोल्डर से अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी वीडियो फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो इस तरह से आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप डिलीट करो, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को इस तरह से लाना है और यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट को इस तरह से आपको आगे लाना है, और जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। और एक्स्ट्रा पार्ट को सेलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको ऊपर जूम इन और जूम आउट वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, आपको इनका यहाँ पे यूज कर लेना है। और उसको उसके बाद में आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे आपको डिलीट वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, तो थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर लेना है और इफेक्ट वाले ऑप्शन में आना है। और यहाँ पर आपको जो है नॉइस रिडक्शन है आपको इस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको देखना है कि थ्री सोल्ड है, आपको इसको यहाँ पे 40 यहाँ पे कर लेना है, तो आपको इसको 40 करना है और सिंपल सा आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको जो है फिर से यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है और इफेक्ट वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर आपको क्या कंप्रेसर में आना है, और यहाँ पर जो आपका थ्री सोल्ड है आपको यहाँ पे 35 यहाँ पे आपको कर लेना है, और यहाँ पर आपको देखना है जो मेकअप गेन है आपको इसको 20 यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको इसको भी यहाँ पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर लेना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर आपको इक्वलाइजर एम्पलीफायर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको देखना है कि फर्स्ट वाले के बाद के जो तीन है आपको इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है, इससे क्या होगा कि आपके जो ऑडियो में यहाँ पे बेस आ जाएगा, और लास्ट के जो तीन है आपको इनको भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से आपको बढ़ा देना है, इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियो में यहाँ पे क्लियरिटी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको जो है इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। इतनी सेटिंग करने के बाद जैसी आपकी ऑडियो इस तरह हो जाए, फिर आपको थ्री डॉट पे फिर से क्लिक कर लेना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर नॉर्मलाइज वाला ऑप्शन सबसे ऊपर मिलेगा, आपको इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो ऑडियो है वो यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे एडिट हो चुकी है। अब एडिट करने के बाद आपको इसको यहाँ पे सुन के भी यहाँ पे देख लेना है आपकी ऑडियो किस तरह से यहाँ पे एडिट हुई है, और उसके बाद आपको इसको सेव करना है, तो सेव वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर आपको जो आपका नाम यहाँ पे रखना चाहते हो वो आपको नाम यहाँ पे रख लेना है, और डन वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको इसको फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो आपको वेव फॉर्मेट में इसको सेव करना है, तो वेव को आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको ऊपर सेव विद फाइल मैनेजर आपको मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ से जो आपको अपने फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जिस भी फोल्डर में आप जो इसको सेव करना चाहते हो, और बस आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपकी जो ऑडियो है आपकी गैलरी में यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।